तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 2023 खत्म होने को है तो मेरे पूरे टीम ने सोचा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि मैं खुद हूँ। ओ हेलो, मैं भी हूँ। मेरे बिना ना तेरा स्क्रिप्टिंग हो पाएगा ना ही वीडियो एडिटिंग, ये मत भूल। हाँ, जेके और केके ने मिलके सोचा कि साल दो खत्म होने को है और अभी हमें कोई भी वीडियो टॉपिक सूझ नहीं रहा है, तो चलो एक यूट्यूब रिवाइंड 2023 बना लेते हैं। इतना भी सच नहीं बोलना था। हाँ, रहने दे, तेरा हो गया। और सबसे जरूरी चीज, हर क्लिप के नीचे उस वीडियो का टाइटल मेंशन है। अगर तुमको वो क्लिप अच्छा लगता है, पूरा वीडियो देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, गो एंड वॉच इट। ठीक है, तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं मेरा, तुम्हारा, हम सबका YouTube रिवाइंड 2023। की लड़की 62 साल के लड़के से शादी कर रही है, प्यार देखो कितना भरपूर है। तो इसमें गलत क्या? कुछ गलत नहीं है बहन, कुछ भी गलत नहीं है। सोशल मीडिया पे असली हरकतें करने वाले सही हो सकते हैं, तो फिर ये तो बस एक शादी है, इसमें क्या गलत होगा? भले ही वो शादी बस व्यूज के लिए क्यों ना हो। बस मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर ये शादी सच में भी हो रही है ना, दादाजी जिस उम्र में है, पूरा का पूरा शिलाजीत का डब्बा भी निकल गए, तब भी उनसे कुछ हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और अगर बाई चांस कुछ हो भी गया, तो तुम्हारा बच्चा दादाजी को दादाजी बुलाएगा या फिर पापा जी? गुड क्वेश्चन। जॉनसन को भी ना मानना पड़ेगा, उनको कोई भी मूवी दे दो, उनका एक्सप्रेशन हमेशा सेम ही रहेगा। चाहे तो मूवी में उनको हीरो बनाओ या फिर विलेन या फिर कोई भी साइड रोल दे दो, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बदल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ उनका कैरेक्टर, लेकिन उनका एक्सप्रेशन कोई बदल दे? हो नहीं सकता। आज तक सुना था प्यार में इंसान मजनू बनता है, रांझा बनता है, लेकिन आज पता चला प्यार में इंसान पागल भी बन जाता है। ये भी ठीक है। अच्छा है कि मैं तुम सिंगल है, वरना प्यार में हमें क्या क्या ना करना पड़ता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। कितने दिनों बाद आज स्कूल को देखा है, बचपन की याद आ रही है। 26 जनवरी आ रही है, ये बहुत खुशियाँ मना रहे हैं ना, इस बार ये खुशियों की जगह मातम मनाएंगे। भाई कागज का गोला मारने से छोटा बच्चा ना गिरे और तुम आतंकवादी गिरा रहे हो। यार भाई कुछ तो लेवल रखो आतंकवादी का। अच्छा चलो, तो आतंकवादी का ना सही, इंडियन आर्मी का तो कुछ लेवल रखो। माना तुम इंडियन आर्मी को अच्छा दिखाना चाहते हो, लेकिन भाई वीडियो थोड़ा लॉजिकल तो बने। बात तो सही है। तुझे क्या लगा था तू हमारे देश को और भारत माँ को यूं ही तकलीफ पहुंचा देगा? अरे भाई तेरे को गलत फहमी हो रही है, वो देश को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, वो बस अपना जिम का बैग तेरे स्कूल के बाहर भूल गया। और तू इतनी सी बात पे इतना क्यों सीरियस हो रहा है? अच्छा, और वैसे भी जो आतंकवादी कागज के गोले से गिर जाता हो, उससे देश को क्या, गली के कुत्ते को भी कोई खतरा नहीं हो सकता? बाबा ये बात तो गलत नहीं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अच्छा, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, समरिया। मैंने कि काफी लोगों को मुझे कमेंट आ रखे थे कि अरमान भाई आप ना तीसरी शादी का एक प्रैंक शूट करो और उसको इन्वॉल्व करो पायल और गोलू के। भाई वीडियो या फिर प्रैंक जो भी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बता ये कौन लोग हैं जो तुझे मैसेज करके बोल रहे हैं तीसरी शादी के लिए, या फिर लोगों के नाम पे बिल फाड़ के खुद की फैंटेसी पूरी कर रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। शांति, प्रैंक में पूरा साथ देना है, वो तो कब से वेट कर, ठीक है ना? तेरे दिल कर रहा है देखने का ना? हाँ, मैं देख के जाऊंगी। देख के जाऊंगी ऐसे बोल रही है जैसे ये कोई शादी नहीं, डांस शो हो। ये वही लोग होते हैं जिनको खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों के घर के कलह देखने में मजा आता है, क्योंकि चुगली करने के लिए टॉपिक जो मिल जाता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं। किसकी आवाज आ रही है? हाँ भाई, भेंट हो रही है शादी। लगता है आतंकवादी भी ये लोग की तरह चूतिया है। खेतों के बीच में बम कौन लगाता है भाई? खेत में हकने आने वाले लोगों का गांड उड़ाना है क्या? चूतिया। क्या सर इसमें? अरे जनाब ज्यादा कुछ नहीं, वो क्या है ना, आतंकवादी ने तुम लोगों के लिए मिठाई छोड़ी है, खाएगा क्या? नहीं, खा ले और अपनी दांत का चटनी बना ले और वो चटनी दूसरों को खिला दे, उनको भी स्वाद आ जाएगा। दोस्ती कहाँ पता चलती है मेरे भाई? मतलब दोस्ती पता कहाँ चलती है? जब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद तुम्हारी बात बंद हो जाती है, उसके बाद वो क्या करता है? जितना टाइम तुम्हारी बात नहीं हो रही है उस बीच में वो क्या करता है? उस बीच में वो तुम्हारे बारे में क्या बातें बोलता है? भाई पहले थोड़ा अच्छे से डार्क मूड जानने दे, बाल सफेद होने दे, थोड़ा मैच्योर बन जा, फिर आना ज्ञान फैलने के लिए। अभी बहुत टाइम है बेटा ज्ञान देने के लिए। जब सही बात बोले भाई। बेटा अभी तेरी उम्र ज्ञान फैलने की नहीं है, पापा के फोन में एक्शन ऐसी फर्श कर के घर वालों को टट्टी लगी बोल के लेटरिन में जाके वोट मारने की है, तो जाके वो कर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये मिशन इम्पोसिबल वाले फास्ट एंड फ्यूरियस वाले कार बाइक साइकिल से स्टंट कर लिया, और वैसे भी आजकल रोज सबसे स्टंट करना आसान है, आम बात है। अगर इस फ्यूचरिस्टिक गैजेट से स्टंट कर ले तो मैं मानू। सही बात है भाई,
तूने ये जो फ्यूचरिस्टिक गैजेट के नाम पे हगा है ना, अगर इस चीज को मैं लेके किसी बच्चे को बोलूं, ले बेटा तेरे लिए बैटरी से चलने वाला साइकिल मेरी तरफ से तोहफा, तो वो भी बोलेगा चला जा भोसड़ी के। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे, अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है जो आदिल ने 45 राखी के हिसाब से आदिल ने राखी और उसके प्राइवेट मोमेंट के फोटो से वीडियो बना के रखे हैं जिसे वो लाखों में बेच रहा है। आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50-50 लाख 40-47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके 1 अरब को। आंटी जी, आदिल ने बेचा नहीं बेचा वो बात की बात है, लेकिन आंटी सिंपली प्राइवेट कोविड बोलने में कुछ जा रहे क्या? तो इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हो क्या था क्या है बोल के, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और आंटी ये कौन है जो तुम्हारे फोटो खरीद रहा है वो भी 50-50 लाख दे के? पता नहीं, थोड़ा तो कुछ लॉजिकल बात कभी कभी बोलिया करो। हो नहीं सकता। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, राखी का लॉजिकल बात यह है ना, पाकिस्तान में चांद पे पहुंचना इस जन्म में तो होने से रहा। गजब बेइज्जती है। उसका बता दो जो 1 घंटे तक रुके। एक गिलास लो दूध, आधी से आधी चम्मच डालो उसमें हल्दी, और 2 लो मीठे बतासे, 1 लो। फिर सबको साथ में कर लो ग्राइंडिंग, उसके बाद अगर तुमको पीने का मन है तो पी जाओ, वरना उसको फेंक दो, फिर तुम बाथरूम में जाके मुठ मार के सो जाओ। मगर क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सारी चीजें करने बैठे तो बस एक ही चीज होगा। What? ओ है गर्लफ्रेंड का मूड खराब, फिर डांसिंग बट तो होने से रहा, तो बाथरूम में जाके सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं। जैसे हमें 3 लड़का के साथ मेरा हैशटैग चल रहा है, ठीक है? एक है अभिषेक अभिषा हैशटैग, एक है एल्विस का, ठीक है? तो एल्विशा हैशटैग एल्विशा चल रहा है, और एक बाहर जब निकले टोनी कक्कर, एक ही दिन में उसके साथ हैशटैग बन गया। तो अभी पूरा ऑडियंस चाहता है, सबका अलग अलग है, कोई चाहता है कि हम अभिषेक के साथ सेटिंग कर लें, कोई चाहता है कि हम एल्विस के साथ कर लें, और कोई चाहता है कि हम टोनी कक्कर के साथ कर लें, और तीनों का फैन तो मनीष से आना चाहिए। दीदी कुत्ता पालो बिल्ली पालो ऐसी गलत फहमी क्यों पाल रही हो? क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दीदी ना एल्विस ना फुकर ना ही टोनी कक्कर का फैंस चाहते हैं कि तुम इन तीनों में से किसी एक की बनो, ये बच्चों दिवस तुम्हारे 12-13 साल वाले फैंस कर रहे हैं, ठीक है? और वैसे भी वो तो फैंस है, वो कुछ भी चाहेंगे, तुम क्या चाहती हो वो मैटर करता है। बात तो सही है। अरे हाँ, तुम तो फ्यूचर फेम ही चाहते हो, तभी तो बिग बॉस खत्म हुआ महीना हो गया तब भी तुम हैशटैग अभिषा हैशटैग एल्विशा और अभी जो नया चल रहा है हैशटैग टोनीशा को सपोर्ट कर रही हो। लड़कियों को मैसेज करते हुए इंडियन लॉन्डे ये 3 गलतियां सदियों से करते चले आ रहे हैं। नंबर 1, लड़की को भेजना हे व्हाट्सअप हाउ आर यू व्हाट वर यू डूइंग, बंद कर दो चूती। भाई किसी से भी कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए पहले यही सभी बोलना पड़ता है। अब क्या डायरेक्टली बोल दूं मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूं, आओ हम बच्चों की प्लानिंग करते हैं, आओ 69 ट्राई करते हैं, नहीं ना? Well, obviously. भाई हाय हेलो ये सब बेसिक कम्युनिकेशन होता है, तू जाके पहले अपना नर्सरी क्लास कंप्लीट कर फिर आना रिलेशनशिप पे ज्ञान देने के लिए। सही बात बोले हैं भाई। Hey everyone, get ready with me for school. बहन तुझे स्कूल जाना है तो तू चुपचाप से रेडी होकर स्कूल जाना, हमें क्यों तेरे साथ तैयार होकर जाने के लिए बोल रही है? हमारा स्कूल कब का खत्म हो चुका है? ठीक है। ऐसा मेरा आज सोशियोलॉजी का एग्जाम। बहन मेरी बात मान, वीडियो बनाना छोड़ो, तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे पढ़ाई की बहुत जरूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो? बहन सोशियोलॉजी नहीं होता, सोशियोलॉजी होता है, सो यू नीड टू स्टडी फर्स्ट। सही बात। बोर्ड एग्जाम में लेट भी हो चुकी हूँ, साथ ही साथ मुझे कुछ आता भी नहीं, फिर भी मैं ये गेट रेडी विद मी बना रही हूँ क्योंकि मेरे को मन कर रहा है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फेस सीरम, अब लगाते हैं मॉइस्चराइजर। किसी को देखा स्कूल के लिए गेट रेडी विद मी बनाते हुए जिसका एग्जाम हो उसको कुछ आता भी ना हो? हाँ बहन हम समझ गए कि तेरा एग्जाम है लेकिन तुझे कुछ भी नहीं आता, और आएगा भी कैसे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब बकचोदी करेगी तो? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आई डिड मीट अदर पीपल बट आई वाज इंटरेस्टेड और एक्साइटेड बाय एनीवन एल्स दैट आई वाज सीइंग एंड इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम, सो आई वुड मीट अदर पीपल बट एट द बैक ऑफ माय हेड इट वाज लाइक आई एम गोइंग बैक टू हिम। दीदी इतनी अंग्रेजी बोलने से बेहतर है कि तुम सिंपली बोल दो रणबीर तुम्हारा बैकअप था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दीदी ये बात तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं कि तुमको पहले से पता था रणबीर तुमको लेकर बहुत पागल है और तुमको कभी छोड़ने नहीं वाला, इसलिए तुम रणबीर को बैकअप रख के बेहतर की तलाश में थी। सही बात बोले भाई। दीपिका टू रणबीर विलेक भैया ये ड्रेस आप संभाल के रखो, तब तक मैं पूरा मार्केट घूम लेती हूँ, अगर इससे भी अच्छा इससे भी बेहतर कहीं मिल गया तो मैं वही से ले लूंगी, वरना ये तो है ही। सही पकड़े हैं। दिवाली जो आ रही है और इसे पता है कि यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए इस पिंकी को साथ लेकर आ जाती। बहुत कुछ मिलेगा तो ऐसे बोल रही है जैसे अंबानी की फैमिली से बिलोंग करती हो। सही बात। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ अब ज्यादा नाटक मत कर और काम पड़ा है वो कर, समझी? सही कहते हैं यार, गरीब लोगों की दुनिया में कोई कदर नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। अच्छा 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।
और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कर देना। भाई अभी अभी कहानी शुरू हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा इमोशनल होने लगा था, पूरी तरह से पहले मुझे इमोशनल होने देता फिर ये सब कहता, तो मैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देता, और तो दूसरों से भी जबरदस्ती तेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया था, लेकिन तूने तो पूरा फ्लो ही बिगाड़ दिया। और वो बोलते हैं कि बारिश का मौसम है, एक कप चाय मिल जाता तो मजा ही आ जाता, तभी हम बोलते हैं हाँ हाँ हम तो होटल खोल रखे हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब भी मैं अपने किसी लड़की दोस्त के घर पे जाता था और उसको ऑर्डर देता था कि तू ये बना के ला वो बना के ला, उसको कैसा लगता होगा। भाई तेरी कोई लड़की दोस्त भी है? हाँ ऑब्वियसली सबके होते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों? नहीं जैसी तेरी शक्ल है ना, तेरी कोई लड़की दोस्त होगी आई डाउट। इस स्टार्टअप में लगेगी सिर्फ आपको एक स्टील वाली बाल्टी, आपको बेचनी है दाल वाली नमकीन, वो भी ट्रेन में, तो सबसे पहले खरीदनी है आपको नमकीन। मार्केट में नमकीन का रेट 160 रुपए का चल रहा है एक किलो, आपको एक कस्टमर को 30 ग्राम नमकीन देनी है, तो आपको 200 कस्टमर के लिए टोटल नमकीन तैयार करनी है, तो आपको लगेगी 6 किलो नमकीन। भाई तुझे कौन सा बिजनेस करे कैसे बिजनेस करे वो आइडिया देना था, मजदूरी करके कैसे मजदूर बने वो नहीं। हाँ तो भाई तू जाके पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जिससे तुझे समझ में आ जाए कि मजदूरी और स्टार्टअप दो अलग चीज है। ठीक है 260 रुपए की आई 6 किलो नमकीन, 40 रुपए के लेने हैं आपको डिस्पोजेबल प्लेट, 100 रुपए के लेने हैं आपको नींबू, 100 रुपए के प्याज, 100 रुपए के टमाटर, तो 1300 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्टअप रेडी है। अरे वाह, आपको एक प्लेट बेचनी है 15 रुपए की, तो 200 प्लेट आपने बेची 3000 रुपए की, माइनस करते हैं 1300 रुपए, दिन के कमाई आपने 1700 रुपए, आपका महीने का पैकेज बैठा 51000 रुपए का, और आपने साल में कमाई 6,12,000 रुपए। लेकिन एक सेकंड भाई, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्टेशन आने जाने का खर्चा, ट्रेन में ट्रैवल करने का खर्चा, टीसी को ट्रेन में मैं ये सब बेच सकूं उसके लिए जो पैसा दूंगा उसका क्या, उन सारी चीजों का हिसाब कौन करेगा, तेरा बाप? कंट्रोल। भाई सुन, आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए तू पहले अच्छे से सब जान ले समझ ले फिर आके ज्ञान देना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और डिस्क्रिप्शन से वीडियो के लिंक पे क्लिक भी किए होगे, और अगर नहीं किए हो तो करके देख लो, तुमको वो सारे वीडियो देख के मजा आएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो बस यार इस साल के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @bitterverse_11, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस, और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि ये साल तुम्हारा हंसी खुशी से कटे और तुम्हारा हर गोल तुम्हें मिल जाए। तो मिलते हैं अगले साल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।